मैं श्वेता संजीव भट्ट बात कर रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं, उन सब के लिए, आप सबका सपोर्ट जो हमें मिला उन सबके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी आप लोगों से जो शायद मैं मीडिया के जरिए आप लोगों तक कह नहीं पाई हूँ। मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मेरा घर है जिसमें मैं पिछले 23 साल से रह रही हूँ। ये मेरा किचन है। जुलाई में इनफैक्ट इसको डिमोलिश किया गया है। ये बताया गया है कि ये इल्लीगल है। पूरा किचन तोड़ दिया, ऊपर के बाथरूम्स तोड़ दिए गए हैं। मेरा आधा घर प्लाईवुड से मैंने सपोर्ट करके रखा है। जब ये लोग तोड़ने आए तो पहली बार तो इनके पास परमिशन भी नहीं थी, दूसरे दिन परमिशन लेके आए। जब हमने कहा कि इतनी इमरजेंसी क्या है, ये घर इनफैक्ट हमारे पास ये घर लीगल है, सभी जगह पे एएमसी के ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स हैं, हम ये पूरे घर का टैक्स भरते हैं, पूरा घर नापा हुआ है, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट दिस हाउस इन विच आई एम स्टेइंग। मगर फिर भी सरकारी थे, सरकारी काम करके गए हैं। ये हमारे हमें तकलीफ देने की शुरुआत की पहली थी। पहले इन लोगों ने हमारी सिक्योरिटी ले ली, फिर इसके बाद घर तोड़ा। हमने कहा कि हम हमारा सामान तो एटलीस्ट ले ले, अंदर से कुछ निकाल ले, गिव अस सम टाइम। अगर 15 दिन में अगर ऑर्डर आ जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, अगर 15 दिन में हम अगर हार जाते हैं, कहते हैं कि इसको डिबॉलिश करना ही है, तो हम अपने हिसाब से डिबॉलिश कर देंगे। क्योंकि एक घर होता है उसमें स्ट्रक्चरल काफी चीजें होती है, प्लम्बिंग लाइन्स, इलेक्ट्रिकल लाइन्स, काफी कुछ चीजें होती है। मगर उनको ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई और उन्होंने घर तोड़ा। तभी के तभी दे डिड नॉट इवन अलाउ अस कि मैं मेरे घर में से कुछ चीजें भी निकाल सकूं। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और उन्होंने मेरे बाजू की दीवार तोड़ दी, मेरा गैस ओवन क्रॉकरी एवरीथिंग। आप देख सकते हो मेरे किचन की हालत। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मुझे एक बिल भेजा। ये मेरा घर तोड़ने का बिल था, उसमें अमाउंट था 2,50,000। और ये लोग जो जेसीबी लाए, जो मजदूर लाए, उन्होंने जो चाय पानी किए, सभी के खर्चे मिल मिला के वी आर सपोज टू पे टू द एएमसी डिपार्टमेंट 2,050 lakhs फॉर डिमोलिशिंग माई हाउस इन विच आई हैव बीन स्टेइंग सिंस लास्ट 23 years। सो ये एक बात। ये होने के बाद 5 सितंबर को सुबह में 8 बजे मेरे घर को पूरा घेर लिया गया। देर वे सम अबाउट 30-35 ऑफिसर्स, पुलिस वाले सब मिल मिला के, और आके उन्होंने संजीव को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाने की बात की। किस केस के लिए, क्यों नहीं बताया गया, हमें कभी इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि हमें किस चीज के लिए ले जा रहे हैं। संजीव वॉज टेकन अवे फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। और 22 साल पुराना केस उन्होंने निकाला है, जो द केस विच वॉज ऑलरेडी बींग हर्ड, विच वॉज ऑलरेडी बींग इन्वेस्टिगेटेड एंड स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वही केस को वो लोग फिर से री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये बात बताते हैं संजीव वॉज टेकन इन टू इन्वेस्टिगेशन। निचली कोर्ट में हम गए, सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में जो लेडी मजिस्ट्रेट थी उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन बिल्कुल मंजूर नहीं की सरकार की। उन्होंने कहा कि 22 का साल पुराना केस है, इसमें कोई केस ही नहीं बनता है, ऑफिसर है, यही सर्व करते थे इतने साल से और काफी अच्छी पोस्टिंग्स पे भी रहे हुए हैं, तो इतने साल में क्यों नहीं पूछा। फिर वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई, रिमांड एप्लीकेशन, और वो लोग तुरंत दूसरे दिन हाईकोर्ट में गए विद द सेम रिमांड एप्लीकेशन। उधर ग्रांट हो गई, संजीव वॉज टेकन इन टू पुलिस कस्टडी फॉर 10 days। ये 10 दिनों में उनको पुलिस भवन गांधीनगर में रखा गया। वहां पे न मुझे न मेरे लॉयर्स को, इनफैक्ट संजीव को जिस दिन से लेके गए उस दिन से एक भी लॉयर को या फैमिली मेंबर्स को मिलने नहीं दिया गया है। हम अपना केस कैसे डिफेंड करते हैं? हमने सेशंस कोर्ट में भी कहा, संजीव ने खुद कहा कि मुझे मेरे लॉयर से मिलना है, तब भी नहीं मिलने दिया उनको। क्यों?
ये लोग इस तरह का वेंजेंस से ये बातें क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इट इज नॉट अबाउट अ केस और अबाउट संजीव भट्ट, मगर ये लोग जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, अगर वकील से नहीं मिलेंगे तो केस कैसे लड़ेंगे। फिर लेडी मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं आपको देती हूं टाइम, आप अपने वकील से मिल लीजिए रिसेस में। रिसेस में संजीव ने फिर से कहा जो आईओ थे उनको कि भाई वीरेंद्र यादव शायद उसका नाम है, उसको कहा कि मुझे मेरे वकील से मिलने दे, मगर ही वॉज डिनाइड। फिर जब केस शुरू हुआ तब अगेन लेडी मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई मिलिए, तो संजीव ने कहा नहीं मिलने दिया। तब उन्होंने कोर्ट में कहा कि आप यहीं की यहीं उनसे बात कर सकते हो 5-10 मिनट्स। बस वो उतनी देर बात करने में केस को कैसे डिफेंड कर सकता है कोई वकील। पुलिस भवन में जहां संजीव हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे और जहां वो खुद बैठते थे, वो पुलिस भवन में मुझे एक भी बार एंटर होने भी नहीं दिया। उसके बाद ही वॉज आफ्टर द रिमांड पीरियड ही वॉज टेकन टू जुडिशियल कस्टडी पालनपुर। आज ऑलमोस्ट 80 डेज होने को आए हैं, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर बेल। हम रोज जाते हैं, हर 2-3 दिन में जब तारीख होती है तब जाते हैं। गवर्नमेंट लीडर जो है वहां आते हैं, वो कुछ भी करके डेज और डेज पास ही करते, टाइम पास करते हैं, डिले टैक्टिक्स करते हैं, रिपीट करते रहते हैं एक ही एक बात। ऐसा सुना गया है कि ही इज पेड हैविली फॉर ईच डे, तो पता नहीं अब क्या बात है। और गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके एक इतने सीनियर ऑफिसर को जिसने 35 ईयर्स तक यहां सर्विस किया है और ही इज नोन फॉर हिज अपराइटनेस, हिज ऑनेस्टी, तो उसको क्यों परेशान कर रही है। बात यह है कि वाई इज दिस गवर्नमेंट सो विंडिक्टिव अबाउट संजीव भट्ट। संजीव भट्ट से सरकार इतनी डरती क्यों है? वॉट इज इट कि वो चाहती है कि वो बाहर ना आए? मेरी आप सबसे इतनी गुजारिश है कि आप सब भी ये बारे में सोचें। प्लीज सपोर्ट संजीव भट्ट, उसकी जस्टिस के लिए प्लीज कुछ करें, जो भी आप कुछ कर सकते हो। संजीव भट्ट इज द ओनली एंड द प्राइम विटनेस ऑफ 2002 रायट्स। काफी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग ये सब चीजें, हम ये परेशानी भुगत रहे हैं। अगर हमारी परेशानी की आपको थोड़ी भी असर हो, थोड़ा भी आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, देन प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।